हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपको फरस हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल में खुश आमदीद। आज जो मैं ब्यूटी रेमेडीज पेश करूंगी, ये पलकों को या आईलैशेस को घना और लंबा करने के लिए है। बाज़ दफ़ा आईलैशेस जो बहुत ज़्यादा ड्राई होके गिरने लगती हैं, अगर हम इन रेमेडीज पर अमल करें तो हमारी जो पलकें हैं वो घनी और लंबी हो जाएंगी और उनकी जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगी। यहाँ जो मैं पहली रेमेडी पेश करूँगी, ये कोकोनट ऑयल और वैसलीन, इन दोनों को मिक्स करके मैं एक लिक्विड सी, एक क्रीम सी बना लूँगी और फिर इसको ये इस तरह के जो कंटेनर से मिलते हैं, जार से मिलते हैं बाज़ार में, आप भी इस तरह के रख लें घर में और उनके अंदर आप इसको डाल के रात के टाइम पे हमने अपनी पलकों पे अब इसको अप्लाई करना है अपनी उंगलियों की पोरों की मदद से, या आप कोई से भी कार्टन स्वेप्स ले लें, उसकी मदद से आप अपनी पलकों के ऊपर लगाएं। आइए मैं बताती हूँ कि ये मैं किस तरह बनाऊँगी। यहाँ मैं हाफ टी स्पून इसी तरह, ये छोटा चम्मच है मेरे पास तो ये हाफ टी स्पून के बराबर है, मैं इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके ये देखें ये क्रीम की शक्ल में बन गया, ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको कंटेनर के अंदर या इस जार के अंदर भर लूँगी। ये जो क्रीम है कोकोनट और वैसलीन की, इसको हमने अपनी पलकों पे अप्लाई करना है। किनारों से आप बिल्कुल जो एज है उससे शुरू करें, ऊपर और नीचे दोनों वाली पलकों पे आपने लगाना है। इसको लगा के हमने सो जाना है और ये जो है डेली हमने इसी तरह रात के वक़्त इसको लगाना है। इसके लगाने से हमें एक महीने के अंदर ही अपनी पलकों पर वाजिया फ़र्क महसूस होगा, लंबी और घनी महसूस होंगी। उम्मीद है ये वाली रेमेडी आपको पसंद आएगी। मैं दूसरी भी आपको रेमेडी पलकों को लंबा करने की बताती हूँ। दूसरी रेमेडी जो पलकों को लंबा करने के लिए और इसको घना करने के लिए मैं जो लेके आई हूँ वो कस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल के साथ मिलके बनेगी। हमने क्या करना है कि इन तीनों की इक्वल क्वांटिटी लेनी है। अगर हम 1 टीस्पून ले रहे हैं तो तीनों को 1 टीस्पून लेना है, अगर 2 टीस्पून ले रहे हैं तो तीनों को हमने 2 टीस्पून लेना है। इसके लिए आप कोई सा भी इस तरह की बोतलें स्टोर्स में दस्तयाब होती हैं आप वो ले लें, या कोई आपके पास इस तरह छोटी बोतलें हों तो उनको धो के आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं इसको करूँगी। ये आपके पास कीफ भी होना चाहिए इस तरह का, ये फिनल से। यहाँ मैं वन टीस्पून अगर मैं ले रही हूं तो इसी तरह ऑलिव ऑयल वन टीस्पून, आलमंड ऑयल
1 टीस्पून, आप इस बोतल को इसी तरह इक्वल क्वांटिटी में बना के पूरी फिल करके रख लें। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि किस तरह हमने इसको मिक्स करना है और किस तरह इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अब इस ऑयल को हमने कार्टन स्वैप की मदद से इस तरह हमने कार्टन स्वैप की मदद से अपनी पलकों पे अप्लाई करना है, या अपनी उंगली की पोर्स से हमने अपनी पलकों पे इसको अप्लाई करना है। ये डेली आप रात के वक्त इस तेल को लगाएं तो आपके जो पलकों के घिरने की प्रॉब्लम है या ड्राइनेस की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा थिन है तो ये जो प्रॉब्लम है ये हल हो जाएंगे। और तीसरी जो रेमेडी है पलकों को घना और लंबा करने के लिए, ये मैं दो किस्म के तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल और कलवंजी ऑयल। ये दोनों मैं मिक्स करके एक ऑयल बना लूँगी। इन दोनों ऑयल को, मस्टर्ड ऑयल और कलवंजी ऑयल, ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में किसी भी खाली बोतल, ये इस तरह बाज़ार में आसानी से दस्तयाब होती है, इनके अंदर या कोई सी भी आप छोटे साइज़ की खाली बोतल ले लें, उसको धो के उसको ये तेल डालने के लिए इस्तेमाल कर लें। या इस तरह ये मस्कारा की जो स्टिक है, आप इसके खाली जो स्टिक होती है इसके अंदर आप फिल करके ये ऑयल डाल दें और मस्कारा की स्टिक की मदद से आप अपनी पलकों पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी इसी तरह आप इक्वल क्वांटिटी में ले लें। अब इस ऑयल को भी हम उसी तरह जिस तरह पहली वाली रेमेडीज़ में हमने ऑयल को इस्तेमाल किया है, इसी तरह हमने इसको अपनी पलकों पे अप्लाई करना है। ये ऑयल जो है ये पलकों के साथ साथ आप आईब्रोज़ पे भी लगा सकते हैं। ये सारी रेमेडीज़ आईब्रोज़ के भी जो बाल हैं उनको ठीक करने के लिए बेहतरीन है, आप दोनों के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑयल जो है आप एक बार बना के रख लें और अपनी जो पलकों पे और आईब्रोज पे आप रात के वक्त अप्लाई करें तो आपको एक दो वीक के अंदर ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिल जाएगा और आपकी जो पलकें हैं वो घनी और खूबसूरत नज़र आएंगी। उम्मीद है कि ये रेमेडीज़ आपको पसंद आएगी। मैं अच्छी रेमेडीज़ लेके आपके पास हाज़िर हूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।